बूढ़े झुके कंधों पर अपने दौर के सबसे खूंखार विलेन को देखना शायद किसी के लिए भी दिल तोड़ने वाला हो सकता है। बेत के सहारे इधर उधर पड़ते कदम, झुकी पीठ और हाफता शरीर ये बताने को काफी है कि शेर अब बूढ़ा हो चुका है। कल फिल्म डायरेक्टर सावन कुमार का निधन हो गया था। सावन कुमार वही हैं जिन्होंने सनम बेवफा, सावन और लैला जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई। आज उन्हीं सावन का अंतिम संस्कार था जिसमें कोई भी यंग स्टार नहीं पहुंचा, बल्कि यहाँ अपने अपने दौर के कई दिग्गज एक्टर डायरेक्टर नजर आए। इन सब के बीच सबकी निगाहें प्रेम चोपड़ा पर आकर टिक गईं, जो 86 साल के होने के बावजूद भी यहाँ सावन कुमार को श्रद्धांजलि देने पहुंच गए। बेत होने के बावजूद भी जब प्रेम चोपड़ा को सहारे की जरूरत पड़ी तो उन्हें विक्की कौशल के पिता श्याम कौशल ने सहारा दिया। दोनों आपस में बात करते हुए चले आ रहे थे। ये वो कलाकार हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा को अपने कंधों पर उठाकर इस मुकाम तक पहुंचाया है। प्रेम चोपड़ा के दमदार रोल भला कौन भूल सकता है। उस दौर में विलेन ताकत से नहीं बल्कि अपनी एक्टिंग से खुद को बड़ा विलेन साबित करते थे। उन्हें खूंखार होने के लिए बॉडी बनाने की जरूरत नहीं थी, डराने के लिए उनकी आंखें और चेहरे के हाव भाव ही काफी थे। प्रेम चोपड़ा वो एक्टर हैं जिन्होंने वाकई में विलेन होने का मतलब समझाया है। अमरीश पुरी के बाद अब प्रेम चोपड़ा ही बचे हैं। हालांकि जिंदगी का सच तो यही है, जो आया है वो जरूर जाएगा भी, लेकिन फर्क सिर्फ इस बात का है कि वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़कर जाएगा। प्रेम चोपड़ा ने अपनी विरासत खड़ी कर दी है। उन्होंने हिंदी सिनेमा को बहुत कुछ दे दिया है। उनका यह एहसान कभी उतारा नहीं जा सकेगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रेम चोपड़ा अभी 100 साल और जिएं और अपनी खुशनुमा जिंदगी बिताएं। फिलहाल प्रेम चोपड़ा के लिए आप क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए। और ज़्यादा ऐसे अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।